पहले फोटो है फिर Q&A है। सनी आ जाओ, सनी आ जाओ, सनी आ जाओ, सनी आ जाओ। मैं भूल ना जाऊं, मैं सबसे ज्यादा थैंक यू मिस्टर सुरेश राणा जो 11 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है हिमालयन रैली के, उनके लिए मैं एक जोरदार तालियां सुनना चाहता हूं, क्योंकि ये फिल्म कंप्लीट हुई या हमारी ड्रीम पूरी हुई ये उसमें सुरेश राणा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और बाकी के रैली ड्राइवर सम्राट, पम्मी रहा नहीं हमारे साथ, पम्मी बहुत जल्दी निकल गए, बट पम्मी ने बहुत कमाल कमाल के शॉट्स दिए और चैंपियन है वो भी रैली के। तो हिंदुस्तान के जो टॉप के 35 रैली ड्राइवर्स हैं, ये तीन जगह होती है, हिमालयन रैली, डेक्कन रैली एंड थार रैली, ये सारे ड्राइवर्स ने इस फिल्म में पार्टिसिपेट किया है ओरिजिनल गाड़ियों के साथ। इसकी एक गाड़ी की कीमत करीब 50 से 60 लाख रुपए है, चाहे वो जिप्सी 2.5 लाख रुपए की हो, बट उसके ऊपर जो मशीनरी लगती है जैसे कि शॉकअप है या उसका इंजन है, ये सारी कॉस्ट एक जिप्सी की 50 से 60 लाख रुपए होती है। एंड दे गेव अस ऑल द हेल्प एंड फैसिलिटीज दैट वाज पॉसिबल बाय देम, सो अ बिग हैंड एंड थैंक यू ऑल द रैली ड्राइवर्स। थैंक यू अन्ना। अभी सोलो तस्वीरें हो जाएंगी, उसके बाद Q&A शुरू करते हैं। थैंक यू मेरे मीडिया के दोस्तों। एंड अभी मैं स्टारकास्ट एंड पूरी टीम को बुलाना चाहूंगा, Q&A का वक्त है, मीडिया के कुछ सवाल। इंट्रोड्यूस सुनील शेट्टी टू द इंडस्ट्री एंड इंट्रोड्यूसिंग यू टू द इंडस्ट्री, हाउ प्राउड यू फील? सर मैं बहुत प्राउड हूँ, इससे बेटर मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती थी, बिकॉज मुझे कार्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, कार स्टंट्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो जब मैंने स्टोरी सुना कि इसमें रैली इन्वॉल्व है, इसमें कार स्टंट्स इन्वॉल्व है, और प्लस इन्होंने सुनील शेट्टी को लॉन्च किया है, तो मेरे लिए इससे बड़ा मौका हो ही नहीं सकता था। और मैंने विद इन फर्स्ट मीटिंग हम लोग का ओके हो गया था, सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट। ओके दीपक जी, आपने अभी कहा कि ना फिल्म मेकिंग का तरीका बदल चुका है, पहले बिल्कुल अलग था, और आप फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है ना, आप फिल्म बना लेते हैं और बनाने के बाद रिलीज को सोचते हैं कि रिलीज होगी कैसे, कितने थिएटर मिलेंगे, ये जो बदलाव हुआ है यू नो, व्हाट आर द पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट यू सी इन दैट? सर पहले क्या था, हमारे जैसे डायरेक्टर फिल्म बना लेते थे और उसके लिए कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता था, बेचारा खरीद के लगा देता था, पिक्चर चल भी जाती थी। अब तो ऐसा है कि आपको फिल्म बनानी भी है और फिल्म लगानी भी, मतलब पहले हम प्रोड्यूसर्स को जब बजट देते थे बोलते थे यार ये 50 लाख में फिल्म बन जाएगी, अब उसको रिलीज तक की डेट बजट देना पड़ता है, तो अब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहे, तो होल सारा बदलाव ये आ गया, तो ये लोड एक फिल्म मेकर पे आ गया। इसलिए देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता काफी लोग, मेरे जैसे लोग तो घबरा गए, भैया ये क्या है कि मुझे हर आदमी को पैसा देना है और फिल्म रिलीज करने के लिए, पहले ऐसा नहीं होता था।
मुझे फिल्म रिलीज करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए मुझे ही खर्चा करना है। ओके, फिल्म के टाइटल की अगर बात करूं, द रैली, रैली से यू नो हिंदुस्तानियों की अगर मैं बात करूं तो रैली तो मतलब लगता है कोई नेता आ रहा है ना, रैली हो रही है, यू नो दे हार्डली कनेक्ट विद दिस रैली, मतलब कोई नेता आ रहा है, कोई भाषण देगा और पहुंचना है। टाइटल आपने किस बिना पे रखा है ना, वो देन योर माइंड वाज वर्किंग ऑन द टाइटल। लाइफ में हमें कंप्यूटर क्या होता है पता नहीं था, जिस चीज की आदत डाल देना तो आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाती है, तो किसी को भी शुरुआत करनी है। और रैली इस फिल्म की कहानी के साथ है। रैली का मतलब ये नहीं है कि रैली मिनिस्टर ने कर दी या हमने गाड़ियां चला दी, रैली ही हमारी लाइफ है। हम दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं हमें मालूम नहीं है, बस दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एंड डे तक नहीं पता होता, तो ये भी एक लाइफ की रैली है। तो आई एम कनेक्टिंग द टाइटल टू द स्क्रिप्ट। व्हाट वाज द स्टोरी प्लॉट, यू नो व्हाट वी हैव सीन, इट्स लुक मोर ऑफ अ रोमांटिक रोमकॉम फिल्म, यू नो यू कैन नॉट मेक एनी अदर फिल्म, यू हैव टू मेक अ रोमांटिक फिल्म, बट सी अ वेरी क्लेवर फिल्म वाज मेड कॉल्ड टाइटैनिक। एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के की कहानी थी। टाइटैनिक में क्या था, अगर उसने एक देश चुना था टाइटैनिक जिसका इंटरेस्ट फॉर्म था, अकल आई, हमको भी लगा कुछ ऐसा कुछ करें। हिमालयन रैली मेरे बचपन का शौक है, आई वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन हिमालयन रैली राइट फ्रॉम द एज आई थिंक रवि वी वर इन फादर एंगल टुगेदर। हमारा सर था जो हमें मैकेनिक सिखाता था, ही वॉज द फर्स्ट चैंपियन ऑफ हिमालयन रैली वे बैक 67। ओके, सिंस दैट डे इट केम टू माई माइंड आई मस्ट my this is my career, I want to be a Himalayan rally driver. But when I actually got into it and I got to know the cost of this game, we started withdrawing from that game. Then I got a chance, we have to introduce sports. This is the most expensive sport in India and participations are from all over the world and it is so exciting and dangerous too at part time. And but it is actually disciplining of a car and a driver. It is not just running. You don't do chasing and this and that and that. There's a discipline. You're given 40 kilometers, time, clock time, everything. So it is disciplining a driver. Rally doesn't start at 9 o'clock in the morning. No. It starts at 3 o'clock, sometimes at 1 o'clock. What duration of that terrain, according to that, so it's a disciplining of a driver. You will never find a rally driver in the city driving like a rally driver. He's the most sober, confident driver who's disciplined driving on the road. But when he is on this terrain where there is no road, there is just no road. These are boulders. Jo pahadon se, Himalaya ke pahadon se patthar gir gir ke gol ho jate hain, ye wo hai. Jahan par aap chal nahi sakte aur ordinary driver 5 kilometer ek hi gear mein chalata rahega. Us jagah par ye driver 180 aur jo Rana sahab hain, unki kya tareef karo, unhone Manali se Delhi एक रेस में 3.5 घंटे में किए, जो नॉर्मल आदमी 18 घंटे लेता है। राणा साहब का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3.5 आवर्स फ्रॉम मनाली टू दिल्ली। सो दिस इज समथिंग एक्साइटिंग। और आज बच्चा या आप भी 9 साल के थे तो आपको लगा था 18 का जल्दी हूँ लाइसेंस मिलेगा। गाड़ी चलाने का शौक हर इंसान का है, बच्चों को यही है। जब यह कनेक्टिंग टू द ऑडियंस, जो चीज उनको चाहिए देखना चाहते हैं, दिखाओ ना यार, क्यों मैं वही बिछड़ी हुई कहानियां सुनाऊं, बाप मर गया था, माँ ने पाला, उसके बाद बिछड़ के हॉस्पिटल में मिले, हो गया यार, बहुत हो गया, मन जी करके चले गए, कुछ नया करते हैं, कोशिश करते हैं, लग गया अच्छा तो ठीक है। दीपक जी, हमारे पास लास्ट 2 सवाल का वक्त है, प्लीज। यहाँ पे रैली के कितने नियमों को ध्यान में रखा गया और कितनी सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है? नहीं, यहाँ पे हमने कोई सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली, बिकॉज रैली ड्राइवर्स और जो रैली के स्पॉन्सर्स हैं, जो जिसका नाम है रेड द एक्सट्रीम, ये लोग हमारे साथ ऑल द टाइम शूटिंग पे थे and they were guiding us every time, ye aisa nahi aisa hota hai, aisa nahi aisa hota hai, so we followed everything that, because we, this is a very hot property, it's an international property, we cannot go against the property. aur dusri baat, dusra sawal ye hai ki aapke is film ke sath ek naye producer aur 4 naye chehron ka ek naya uday ho raha hai, to iska kitna tension tha aapko in sabhi ka career samarne ka? aadat pad gayi sir abhi जब मैंने बलवान बनाई, सुनील सर हमारे साथ थे, उसमें दिव्या भी नहीं थी, डैनी साहब बहुत सीनियर थे। फिर मैंने जब श्रीमान आशिक बनाई, उसमें उर्मिला नहीं थी। फिर मैंने क्या बनाया, तुमसे अच्छा कौन बनाई, अच्छा कौन, तो उसमें भी सारे नए थे, नकुल वॉज न्यू, आरती वॉज न्यू, किम वॉज न्यू, तो आदत पड़ गई। फिर मैंने राजकुमार साहब के लड़के को लॉन्च किया था, पानेनी को, जो शिवम करके एक फिल्म थी जिसमें अगेन विजुअल हम लोग साथ में थे,
फिल्म कंप्लीट नहीं हुई, अलग बात है, बट उसमें भी मजा है। ये मजा है, आपको एक होता ना जो कहते किक मिलता है, मुझे किक मिलता है न्यू स्टार्स का, न्यू स्टार्स के साथ काम करना।